इस कार्य की शुरुआत की ही और मैं बिल्कुल छोटा जिहा जदों इन्हें लगा इस काम का इन्हें देख लगा मैं और इन्हें अज की वो सब जहाँ दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करी आ जाते बच्चे इस कारोबार ही संभालिया। मैं सब तो सारे गणमान्य जम्मू के जिन्हें बंदे भी देखा करते सुना करते मैं उन्हें सबने मुबारक दें कि ऐसा परिवार जरा कोई कोई गै हों जरा माँ प्यो की लाइन पर चलता नहीं तो अज के बच्चे क्या करते प्यो बना तो पुत्र खाने वाले तैयार हो जाते। इस करी सब तो ज़्यादा मैं संजय हो रही परिवार सारे मुबारक दें और जरा इन्हें टायल का शोरूम खिलया बाबा जी तरफा ने बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय बाबा जी हमारे मथुरा वाले श्री यशपाल शर्मा जी जिनके कर कमलों द्वारा एसके एजेंसीज का उद्घाटन हुआ है। श्रीमान संजय जी और इनके परिवार के पिताजी और सभी लोग मुझे लगता है कि जम्मू में पहले नंबर पे इस काम को कर रहे हैं और आज जिस प्रकार से इन्होंने अपनी मेहनत और लगन के साथ काम को बढ़ाया है तो एक नए शोरूम का यहाँ उद्घाटन हुआ हो रहा है। इस पर हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्रीमान अरुण जी और बाकी सभी गणमान्य नागरिक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो स्वाभाविक बात है कि एक नई वैरायटी और जो भी अच्छे हमारे ब्रांड हैं उनको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। मैं संजय जी की और इनकी मेहनत के कारण से इनके परिवार के इनके पिताजी का जो आशीर्वाद है उसके लिए इनको बधाई भी देता हूँ और कामना करता हूँ इनका जो कार्य है दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति करें। देखिए मैं सबसे पहले संजय जी और इनके जो मैनेजमेंट है उनके परिवार के सदस्य हैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आज जो शोरूम खुला है और वो भी एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथ से जो शोरूम हुआ का उद्घाटन हुआ है। बाबा जी बहुत कम जो हैं बाहर आते हैं लेकिन उनका आशीर्वाद जो है आज इनको मिला है तो ये सीधा मतलब है कि हम लोग जो हैं इस शोरूम के बारे में बात करूं कजारिया जो है आज की डेट में एक नाम है। कजारिया की जितनी भी यहाँ पर टाइल्स कह लीजिए या जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड फेम के प्रोडक्ट्स बन चुके हैं और मैं समझता हूँ कि भाई आज का जो शोरूम खुला है जम्मू के लिए जम्मू के लोगों के लिए नई चीज़ें जो हैं यहाँ से परचेज करने का मौका है। और सबसे पहली बात तो ये है कि भाई जम्मू जो है ये मैं समझता हूँ कि एक डेवलप्ड स्टेट बनता जा रहा है क्योंकि स्मार्ट सिटी बनने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं बाहर से भी कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं और हर कंपनी का जो शोरूम है यहाँ पर बने इस बात की चिंता जो है गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो भी कर रहे हैं और इसी बात को लेकर के और कजारिया जो है एक नाम है। आने वाले दिनों में कंस्ट्रक्शन वर्क जो हैं यहाँ पर उन लोगों को एक नई जो स्टाइल है नई टाइल्स हैं वो यहाँ पर लेने का मौका लोगों को मिलेगा। मैं एक बार फिर इनको मुबारकबाद देता हूँ और जम्मू वासियों से भी अपील करता हूँ कि जिस तरह से आज एक नया दौर शुरू हुआ है डेवलपमेंट का दौर शुरू हुआ है तो उसमें सभी लोग जो हैं वो सहयोग भी दें और अपने अपनी तरह से डेवलपमेंट के लिए अपना प्रयोग भी करें। हमारे पास अभी हमने जो लेटेस्ट शोरूम खोला है आज हमारे जो पूजनीय बाबा जी मथुरा वाले उनके आशीर्वाद से और हमारे डिप्टी सीएम पौरव गोविंद्र गुप्ता जी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरुण जी उनके आशीर्वाद से शोरूम की ओपनिंग की है और हमने खजारिया टाइल्स और हिंदी रेसिपी फिटिंग का जो भी है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी इनकी कंपनी का है उसका शोरूम खुला है जम्मू में और कोशिश करेंगे कंपनी की तरफ से जो भी लेटेस्ट आएगा और कस्टमर को अच्छे से देने की कोशिश करेंगे क्या क्या जो भी नया आएगा प्रोडक्ट्स और देने की उसके लिए है। सर मार्केट पे कंपटीशन बढ़ा है और ग्राहकों को लुभाने के लिए अलग अलग ऑफर्स और चीज़ें रहती है यहाँ पे किस तरह से आप कंपटीशन तो मार्केट में हमेशा ही रहेगा बाकी कंपनीज भी आएंगी लेकिन जो खजारिया है ये वर्ल्ड की 7 लार्जेस्ट कंपनी है तो इसको लेटर नेचुरली अच्छे ब्रांड है और कस्टमर तो पहले इसी को देखेगा और जो जब सेटिस्फाई कस्टमर इसी से हो जाता है तो बाकी कंपनी का तो फायदा नहीं रहता। दूसरा हिंदवीर जो चिप्पी फिटिंग हमारी आई है ये भी बहुत अच्छी इंडिया की हमारी नंबर 1 कंपनी है लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं इनके तो लेटेस्ट देंगे तो मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा कि लेटेस्ट आएगा देंगे तो कस्टमर को भी फ़ायदा ही रहेगा। तो हमारे ये शोरूम बनाने का कंपनी का यही मकसद है कि लेटेस्ट जो भी कंपनी नया लॉन्च करे नया प्रोडक्ट लाएगी तो उसी पे हमारे पास जो भी डिस्प्ले होगा तो कंपनी आके जो भी उनके आएंगे वो करेंगे तो कस्टमर को ही देंगे। सर